Now I am going to explain the Tihai, which is called Ginti Ki Tihai. ये गिनती की तिहाई जो है उसका जो विकास किया है, उसकी जो खोज की है, वो पंडित बिरजू महाराज जी ने की है। तो आप सब एक बार कान पकड़ के उनको याद करें और जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। साथ ही ईश्वर से ये कामना करें कि वो स्वस्थ रहें और इसी तरीके से अपना आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि बोल टुकड़ों को समझना जिनके लिए आसान नहीं, क्योंकि बोल टुकड़ा बहुत सीरियस होता है, सीरियस चीज होता है, और छोटे छोटे बच्चे शायद उतनी गहरी चीजों को नहीं समझ पाए। तो हमने कहा तिकदा तिकदा तिकदाई, ये शायद वो बोल ना पाए, तो एक दो तीन चार पांच ऐसे याद कर लिया। तिकदा तिकदा तिकदाई ता थाई, एक दो तीन चार पांच छह सात, इस तरीके से वो गिनती की काउंटिंग शुरू हो गई। एक दो तिहाइयां गिनती की मैं शुरू करता हूं। जैसे हम लोग एक काम करते हैं, कोई एक ग्रुप बना लेते हैं डिजिट्स का, और पहले उसमें तीन चार तिहाइयां करने की कोशिश करते हैं। जैसे नौ है, नौ का बना लेते हैं एक तिहाई। मैं बता रहा हूं, आप लोग इसको नोट करिए और समझते चलिए। अब ये हुआ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ये दो दो का चल रहा है ना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, देन तीन तीन का एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, और उसके बाद चार का एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। इस तरीके से इसको याद कीजिए, ठीक है? और इसका पैर से निकास जो है बहुत आसान होगा। एक दो राइट लेफ्ट, तीन चार लेफ्ट राइट, पांच छह राइट लेफ्ट, सात आठ लेफ्ट राइट, नौ राइट, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ लेफ्ट राइट एंड नौ राइट। ओके, एंड द तिहाई इज लय, याद करिए आप लोग। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। ये तिहाई हो गई, और इस तरीके से आप इसको पैर से निकालें, ठीक है? अब नौ की तिहाइयां और करते हैं, दो चार और करते हैं जिससे आप समझ जाएं। अभी सिर्फ नौ को लेके चलना है। एक चलन मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं वो बताता हूं। इसमें चक्कर का काम होगा, ठीक है? हाँ सुनिएगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। अब इसमें जो चल रहा है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, इसको आप चक्कर से निकाल सकते हैं। ओके, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ।
एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ए दो तीन चार पाँच सात आठ नौ, ए दो तीन चार पाँच सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ, ए दो तीन चार पाँच सात आठ नौ। ये एक हो गया, मेरे दिमाग में और एक आ रहा है, मैं उसकी सिर्फ नौ का चल रहा है। अभी हम अपने अंदर ज्ञान का स्तर यहां रखते हैं कि जैसे अगर कोई बोल चले तो उसके कितने प्रकार आप कर सकते हो, है ना। ये बहुत जरूरी है क्योंकि स्टॉक होना बहुत जरूरी है आपके पास। अगर तेटेकत गदिगन के बोल दिखा रहे हैं तो तेटेकत गदिगन का कितना स्टाइल आप दिखा सकते हो, है ना। अगर धतक अथुंगा दिखा रहे हैं तो धतक अथुंगा का कितना स्टाइल आप दिखा रहे हो। ये अपने अंदर आपको ज्ञान को बढ़ाना है, ये बहुत जरूरी चीज होता है। जनरली हम ये देखते हैं कि आजकल का एक ट्रेंड हो गया है कि जो एक एवरेज लेवल है, लोग ये सोचते हैं कि 10 चीजें मुझे गुरुजी ने बता दी है और आपने उस 10 चीजों को याद कर लिया है और बस उसे परफॉर्म कर रहे हो। ये तो हो गई कि आपको सिर्फ 10 चीजें याद है, 10 मिनट आधा घंटा 40 मिनट का आपको याद है। लेकिन ताल ये जो है ना, ये जो तीन ताल है ये बहुत गहरा है, ये कभी समाप्त होने वाला ही नहीं है। इसको कैसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं, तो इसके लिए ये जरूरी है कि अगर कोई बोल चला अब ताकड़ तक है तो ताकड़ तक का कितना अंदाज हम कर सकते हैं, अपने अंदर इस क्षमता को बढ़ानी है। तो नौ की तिहाई की बात चल रही थी, एक नौ की तिहाई आप और सुनिए। हाँ ये देखिए, इसमें नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक, एक ये चलन है और एक है नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक। ये दो तरीके से नौ वापस, कहते हैं ना जैसे सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं तो सीढ़ी नीचे आ रही है, तो ये हो गया आरोह, ये हो गया अवरोह। आरोह चढ़ते हैं, अवरोह नीचे उतरते हैं, आलोम विलोम भी कह सकते हैं। देखिए क्या अंदाज है, ए दो तीन चार पांच सात आठ नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो, ए दो तीन चार पांच सात आठ नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक, ए दो तीन चार पांच सात आठ नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो, ए दो तीन चार पांच सात आठ नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक, ए दो तीन चार पांच सात आठ नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो, ए दो तीन चार पांच सात आठ नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो आठ। इस तरीके से आएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। आप इसको काउंट करते चले और सीखते भी चले, इसमें भी कुछ नहीं, ए दो तीन चार पांच छह सात आठ जो जा रहा है वो ताते तीते ताते तीते जाएगा, और नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक जो आ रहा है तो नौ पैर से नौ आठ में ताली, नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक, इस तरीके से निकालेंगे नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक। मतलब जो विषम मात्रा है वो पैर से और जो सम की मात्रा है उसको ताली से, नौ विषम हो गया आठ सम हो गया, नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक हुआ, ए दो तीन चार पांच सात आठ फिर आ गया और नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक। इसको हम चक्कर से लेंगे, ए दो तीन चार पांच सात आठ नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो, ए दो तीन चार पांच सात आठ नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक, ए दो तीन चार पांच सात आठ नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो, ए दो तीन चार पांच सात नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक, ए दो तीन चार पांच सात आठ नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो, ए दो तीन चार पांच सात आठ नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक। ये नौ की तिहाई है,
इसी तरीके से हम सात उठा लें तो सात की तिहाइयां अलग अलग बनाए, पांच उठा लें तो पांच की तिहाइयां अलग अलग। ये जरूरी है कि हम जो भी ताल को कर रहे हैं उसके साथ पूरा न्याय करें। ये नहीं कि किसी ताल में हम सिर्फ दस बंदिश याद कर लें और वही नाच रहे हैं, वही बजा रहे हैं। तो ये कहीं से आपके ज्ञान के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि ये जो संगीत विद्या है, जो नृत्य विद्या है, ये समुन्दर है, अतः समुन्दर है। आपने सुना होगा आम बोलचाल की भाषा में, फलाने क्या गुणी कलाकार। वो गुणी कलाकार लोग अगर उनके विषय में कहते हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरी साधना करी है, पूरा ज्ञान कोशिश किया है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो ज्ञान अर्जित करें। और एक बात, यहाँ जब ज्ञान अर्जन की बात है तो मैं आपको जरूर एक दिशा निर्देश यहाँ से देना चाहूंगा कि ज्ञान अगर कहीं मिले तो उसे ले लेना चाहिए। ये भी एक बहुत खराब बीमारी है। अगर अमित कहे नहीं मैं बख्शी विकास जी का शिष्य हूं तो मैं बख्शी विकास जी से ही सीखूंगा, है ना, ये भाव गुरु के प्रति श्रद्धा आस्था अच्छी बात है, आप रखिए, लेकिन ज्ञान अगर कहीं से मिले वहां से ले लेना चाहिए। और हर गुरु की कद्र करनी चाहिए, अपने गुरु की तो करिए ही करिए, लेकिन हर गुरु का कद्र करिए, सबकी इज्जत करिए, और जहां से अच्छी चीजें मिले उसे आप ले लीजिए। और ये प्रयास करिए कि इस जिंदगी में जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हम सीख सकें, अपने अंदर उसको साध सकें, ज्ञान अर्जित कर सकें। इसलिए वो बड़े गुरुजनों ने कहा है कि आप तब तक जिंदा हैं, तब तक कलाकार हैं जब तक आप विद्यार्थी हैं। सीखने की जो भावना है वो अगर एक कलाकार के अंदर जिंदा रहे तो वो कलाकार सच में बहुत बड़ा कलाकार हो सकता है। जिंदगी बहुत छोटी है और संगीत नृत्य का संसार बहुत बड़ा है, एक जन्म में पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों से कि सीखने की जो भावना मेरे अंदर भी आज, मुझे भी आज कोई अच्छी चीज जहां दिखती है मैं प्रयास करता हूं कि उसे मैं सीख लूं। सीखने की भावना कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इससे ये होगा कि आपके पास बहुत सारी चीजों का स्टॉक होगा। कभी ये ना समझे कि ये इस बोल का लेवल कम है, ये बच्चों का है, ये बोल बड़ों का है, ये घरानेदार बोल है, ये सामान्य बोल है। इन सारी चीजों में कभी आपको नहीं पढ़ना है। हर बोल करने के अंदाज से बेहतरीन हो जाता है। सामान्य सा बोल अगर आपके पास, मैं एक इंपॉर्टेंट बात देखिए इसी बीच आ रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। नृत्य जो कथक नृत्य है, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि लोग बोलों पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ये बोल, ये लयकारी, ये जाति, यहां से ये कट रहा है, यहां से ये बन रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन नाच जो है वो देखने की कला है। वो बोल तो कट रहा है, बंदिश बहुत सुंदर है, खूब सुंदर है, लेकिन उस पे नाच कितना सुंदर हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कि बहुत बढ़िया बढ़िया बोल, लेकिन उस पे नाच उस हिसाब से नहीं हो पाता है, जिस कारण वो बोल जो है वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन देखने के दृष्टिकोण से वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप लोग को मैं जो बातें बता रहा हूं वहां फोकस करो। अगर कोई सामान्य बोल भी है तो अगर उसको इतनी मिजाज से नाचो, इतनी खूबसूरती से नाचो कि देखने वाला बस वाह कह दे। क्योंकि ये नाच है, ये तबला नहीं है, ये पखावज नहीं है। तबला पखावज में हम सुनाते हैं लय को, नाच में लय दिखाई देता है, लय को देखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सामान्य तत्त थुन थुन भी अगर बोल है, एक दफे मैं एक कार्यक्रम में था, तत्त थुन थुन बोल को किसी बच्चे ने किया। एक बात तो तय है कि अच्छी तालीम हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसमें सीखने वालों की गलती नहीं है। ये हमारी पूरी व्यवस्था ऐसी है कि तालीम आज भी घर घर तक नहीं पहुंच रहा है, स्तरीय तालीम। खैर वो एक अलग विषय है। तत्त थुन थुन बोल उस बच्चे ने कर दिया तो जो कंपटीशन में जज बैठे थे उन्होंने कहा कि क्या आप तत्त थुन थुन बोल
अभी करवा रहे हैं, ये मंच पर ये सीखने वाला बोले, ये मंच पर करने वाला बोल रही उसी बोल पे कलात्मकता दिखाई देती है कि नहीं देती है? कैसे उस आंखों से हमने जी लिया? अगर एक मृग है तक तक थुन थुन, राम ने बाण निकाला और ये तिकधा तिक तिक थे, वही तत्त थुन थुन बोल जीवंत तो हो गया कि नहीं हो गया, है ना? कर रहे मान लो तत तत ये मृग है, तत तत थुन थुन जम किया, है ना? अभी ये क्या तत तत थुन थुन तिकधा तिक तिक थे, तत तत थुन थुन तिकधा तिक तिक थे, तक तक थुन थुन तिक धा दिग दिग थई, ये घुमा तिक धा दिग दिग थई, तिक धा दिग दिग थई, तिक धा दिग दिग थई। अब नाच में एक कल्पना ऐसी आ गई कि ये तक तक थुन थुन बोल भी जीवंत होगी, तो ये करने का एक अंदाज होता है कि तक तक थुन थुन आप कैसे करते हैं। अब देखो तक तक थुन थुन, तक तक पे अगर कृष्ण बन गए, थुन थुन पे अगर राधा बन गए, दिग धा दिग दिग थे, और राधा को कैसे कृष्ण ने आलिंगन किया, तो बोलो को करने का एक अंदाज होता है। मैं ये एक एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि कोई भी बोल छोटा नहीं है, कोई भी बोल छोटा नहीं है, करने का अंदाज। तो अंत में यही कहूंगा, अब कृष्ण तत तत थुन थुन तिग धा दिग दिग थई, तत तत थुन थुन तिग धा दिग दिग थई, तत तत थुन थुन तिग धा दिग दिग थई, तिग धा दिग दिग थई, तिग धा दिग दिग थई थई थई। एक कृष्ण और राधा का रास हमने इस बोल पे दिखाने की कोशिश की। इस तरीके से आप कोई भी चीज है वो बोल पे नाच सोच सकते हैं। तो कोई भी बोल छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। या अच्छा एक बात बताइए, संगीत तो सबसे खूबसूरत चीज है ना इस पूरे कायनात में। अगर सबसे खूबसूरत कोई चीज है भगवान ने दिया है तो वो संगीत नृत्य दिया है। तो भला कोई भी बोल छोटा कैसे हो सकता है, खराब कैसे हो सकता है? इस धारणा को यहां से एकदम निकाल देना है। वो बात है ना कि हम अगर विद्वान हो गए तो हम फलाने चीज को, जो शुरुआती चीज है उसको हम नीची निगाहों से देखने लगे तो वो छोटा हो गया। कभी किसी को ना छोटा समझना चाहिए, ये एक आचरण की भी बात है, व्यवहार की भी बात है। ना तो किसी इंसान को छोटा समझो, ना किसी वस्तु को छोटा समझो, और संगीत में किसी बोल को भी छोटा मत समझो, नाचने की कला। तो ये कुछ तिहाइयों के विषय में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको कुछ, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो रस और भाव की जो बात हम कर रहे थे, आपने नवरसों के विषय में जाना, नवरस के विषय में आपने जाना, तो नवरस के विषय में तो आप धीरे धीरे उसकी तैयारी करो। और फिर वही बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से तत्कार का, परन का, तिहाई का, या टेक्निकल चीज जो आप तैयार करते हो, रियाज करते हो, उसी तरीके से रस और भाव का भी अभ्यास प्रतिदिन आप किया करें, आईने के सामने, शीशे के सामने। क्योंकि जब तक आपका चेहरा खूबसूरत नहीं बनेगा, भाव यहाँ से नहीं प्रदर्शित होगा, तब तक हर मुद्रा जो है वो बेजान हो जाएगी। मुद्राओं में जान तभी आती है जब आप कि चेहरे पर भाव होता है। अब कृष्ण ऐसे सीधे खड़े हैं, मुद्रा तो बना लिया बांसुरी लेकर, ऐसे सीधे खड़े, तो ये कैसे कृष्ण? अब यूं देखिए, ये बहुत गहरी बात है, समझने की बात है और बहुत बारीक बात है। अब यूं कृष्ण का बंसी ले लिया है और चेहरे पर भाव हमारा, अब ये यहां शांत रस दिख रहा है,
बंसी। तो कृष्ण तो वहां तो श्रृंगार आना चाहिए, तो हल्का हल्की सी स्माइल लेके ये कृष्ण बने। तो बांसुरी ले लिया कृष्ण का, चेहरे पे रस रखा शांत, तब तो बुद्ध ना बुद्ध ही बन पाए, अब बुद्ध बने हैं और चेहरे पर बुद्ध है तो शांत है। तो ये जरूरी है कि आप मुद्राओं से हम भाव करते हैं, ठुमरी करते हैं, वंदना करते हैं, मुद्राओं से प्रदर्शित करते हैं चीजों को, लेकिन यहां ये अगर जीरो हो गया तो फिर तो सब किया बेकार हो गया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रस और भाव की व्याख्या मैंने आपसे की है उसका अभ्यास नित्य दिन होना चाहिए। अब आप तक अब डांस सीखने गए, आपको तत्कार मिल गया, ता थे थे तत आ थे थे तत मिल गया ना, तो ये बोल मिल गया, पैर ऐसे चलेगा, टेक्निक मिल गया, अभ्यास कर रहे हो, दिखदा दिख दिख थी में ये चक्कर लेना है, ये टेक्निक मिल गया, बोल मिल गया, अभ्यास कर रहे हो। लेकिन रस और भाव का क्या, उसके लिए भी आपके पास मटेरियल होना चाहिए, अभ्यास के लिए होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि आप रस और भाव का अभ्यास करें प्रतिदिन शीशे के सामने, वही साहित्य जो मैंने आपको बता रखा है अगर उसपे शीशे के सामने आप उसको पढ़कर कहकर उस पर भाव करते हैं तो चेहरे पर भी आपके वो चेहरे से प्रदर्शित होगा और तब जाके आपका नृत्य और जीवन पर होगा। मैं रस हूं, मैं रस सिद्धांत हूं, मैं कृष्ण हूं, श्रृंगार हूं, मैं कृष्ण हूं, श्रृंगार हूं, मैं वीर हूं, मैं राम रौद्र भवानी शंकर हूं, भयानक हूं, प्रलयंकर हूं, शोक व्यथा से करुण प्रकाट्य, शोक व्यथा से करुण प्रकाट्य। हसी ठिठोली रस हूं हास्य, है ना, विभत्स हूं, विभत्स हूं मैं हूं, घृणा का भाव। तो इस तरीके से बुद्ध हूं मैं, शांत हूं मैं, रस सिद्धांत हूं। इस तरीके से आप इस कविता को याद कर लें और चेहरे पर वो भाव लाने का प्रयास करें, तब और निखर के चीजें आएंगी। तो हस्तकों के साथ भाव बहुत जरूरी। अब बात मैं करूं श्रृंगार की, तो श्रृंगार में भी दो उसके प्रकार हो गए, एक संयोग श्रृंगार हो गया और एक वियोग श्रृंगार हो गया। तो संयोग श्रृंगार जो होता है वो कृष्ण राधा को आप समझ लीजिए, दोनों में प्रेम है, वो प्रेम का प्रतीक है, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, इन चीजों के जो भाव होते हैं, जो मिलन का भाव होता है, जो 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 एक मिलन का भाव होता है, वहां से ये संयोग होगा। और वियोग उसको कहेंगे कि जैसे नायिका है और उसका नायक प्रदेश में है और वो उसके विरह में है, विरह तो अलग बात होगी लेकिन जुदाई जिसको कह सकते हैं। देखिए यहां एक चीज मैं बता दूं कि करुण भी शोक है और वियोग श्रृंगार में भी दुख है, लेकिन दोनों का रूप अलग है। वियोग श्रृंगार में ये पूरी आशा है कि हम अपने पति से आज न कल तो मिलेंगे, लेकिन करुण में किसी का चले जाना हमेशा के लिए, मतलब वो हमेशा के लिए चला गया कोई छोड़ के आपको, पूरा शोक हो गया, कोई जैसे कोई किसी की मृत्यु हो गई, नायिका है उसके पति की मृत्यु हो गई, तो वो जो शोक है कि अब वो उससे कभी मिलेगी नहीं, वो करुण वहां आ गया। लेकिन
किसी का पति परदेश है और बहुत दिनों से मिला नहीं है, लेकिन उसको मिलने की आस है, तो वहां से वो वियोग श्रृंगार उसको कहते हैं। तो इन चीजों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि जरा सा अगर आपकी सावधानी हटेगी वो रस परिवर्तन हो जाएगा, फिर हम उन रसों के साथ न्याय नहीं कर सकते, उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते। रस और भाव को समझकर ही अपनी प्रस्तुति करिए। बोल टुकड़ों में भी रस भाव है, किसी बोल को दमखम से करते हैं, किसी वीरता की अनुभूति करते हैं, शिव के रौद्र रूप को अगर किसी बोल धाता का थूंगा, है ना, त्रिगर्तक धाता का थूंगा कदागे देंगता तकधा दिनता, आंखों से वो भस्म कर रहे हैं तकधा दिनता। अगर अगर कोई इमेजिनेशन बोल टुकड़ों पे आप करते हैं, इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, तो वहां फिर रस और भाव आ ही जाए। इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है। अब कृष्ण जैसे राधा कृष्ण का है, एक ठुमरी मैं बताता हूं, आप उसको देखिए और उसको करने का प्रयास कीजिए। गगरिया काहे काहे, अब चेहरे पर हल्का स्माइल है राधा कृष्ण, गगरिया काहे, अब ये यहां से थोड़ी शाम, गगरिया काहे पोड़ी, गगरिया ग ग ग गगरिया काहे पोड़ी शाम। तो ये कृष्ण है, ए कलैया हाँ काहे मरोड़ी शाम, ये श्रृंगार आ गया यहाँ, ए कलैया काहे मरोड़ी शाम। तब राधा कृष्ण साथ है, रास चल रहा है, तो ये श्रृंगार में भी संयोग श्रृंगार है, क्योंकि वो दोनों साथ हैं, राधा और कृष्ण दोनों साथ। वियोग श्रृंगार क्या है? कोयलिया, कोयल है, कोयलिया मत कर पुकार, चेहरे पर स्माइल नहीं होगा, वहां वियोग है, इंतजार है, प्रतीक्षा है कि प्रियतम आएंगे। अब एक पंक्ति में बताता हूं कि कब से, ए कब से, कब से नयन बिछाए खड़ी हो तुमरी राह में, कब से नयन बिछाए खड़ी हो तुम्हारी राह, कब आओगे, कब आओगे, ए कब आओ, कब आओगे मोरे सावरे बलम, कब आओगे मोरे सावरे बलम। ये एक प्रतीक्षा है प्रियतम के आने का। तो ये बहुत सारा साहित्य है अलग अलग रसों का, उन साहित्यों को भी आप अलग अलग रसों का जो साहित्य है, जो कविता है, उसको भी आप कलेक्ट कीजिए। मैं बता दूंगा धीरे धीरे, अभी जो तालीम चल रही है
धीरे धीरे एक एक रसों का विस्तार से, अभी तो मैंने एक रचना आपको ऐसे दी जिसमें नव रस है, लेकिन अब धीरे धीरे आपको अलग अलग रसों का, रसों के अलग अलग रचनाओं को मैं बताऊंगा कि इस पर आप अभ्यास कैसे करें और अपने आप को कैसे निखारें, अपने नृत्य को कैसे निखारें। कोयलिया मत कर पुकार, ए कोयलिया मत कर पुकार, करे जुआ में लागे कटा, है ना, करे जुआ में योग, करे जुआ में ऐ लागे कटा, कोयली जाबो पिया के देश, जाबो पिया पिया के देश, दीजो उनको ये संदेश, दीजो उनको ये संदेश, उन बिन। अब क्या है यहां, गौर से देखिए, उन बिन लियो जोगिया के भेस, जो अब कोई श्रृंगार नहीं है, वो धीरे धीरे अपने श्रृंगार के चीजों को उतर, उन बिन लियो जोगिया के भेस, तज दियो, बिंदी निकाला, श्रृंगार रे, तो ये जो यहां हंसी नहीं है, खुशी नहीं है, एक प्रतीक्षा है कि कोयल तुम जाके कहना कि उनके बिन उनकी प्रियतमा का ये हाल है, ऐसी स्थिति है। तो इस तरीके से आप रसों को समझ सकते हैं। करुण रस इससे बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल अलग है। वो जब रसों को बारी बारी से हम लेके आएंगे, उसके बाद फिर मैं उन चीजों को आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपने ये जो सबसे पहले कोई भी चीज को अगर आप विस्तृत रूप से करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो उसके पहले आपको भाव को समझना होगा। तो सबसे पहले शीशे के सामने खड़े होके इस जो नव रसों की एक कविता मैंने आपको दी है, इसको पढ़ के उस पर भाव करने का आप अभ्यास करें, ये बहुत जरूरी है। कितनी देर है और सृष्टि, अगर कोई टाइम बता दे तो। बस गुरुजी खत्म ही होगा। खत्म ही होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में हम इसको वो करते हैं। अंत में आप सबसे ये कहूंगा कि खूब रियाज करें, खूब मेहनत करें, और अभी ये जो समय चल रहा है महामारी का, ये बहुत बुरा समय है। इन सब में आप ये प्रयास करें कि हम भी बीमार ना हो और हमारी वजह से कोई और भी बीमार ना हो, है ना, क्योंकि ये भी हमारा दायित्व है कि अगर हमारी वजह से किसी और को और बीमार हो जाते हैं कोई और, तो ये भी हमारी ही चूक है। तो घर में रहिए, ये एक ऐसा अवसर आपको मिला है, आपको बिल्कुल घर में रहना है, और यही अवसर है कि यहाँ रियाज करके, साधना करके, खूब तैयारी करके आप अपनी कला को एकदम चमका दीजिए, और जब फिर से सब कुछ सामान्य हो, सभागार खुले, तो एकदम चमक के पूरे मिजाज में, पूरी तैयारी के साथ, अब 3 ताल शुरू करें तो 3 ताल खत्म ही ना हो, है ना, इतना इतना ज्ञान बढ़ाइए, इतना सीखिए कि बस 3 ताल शुरू हो तो 3 ताल खत्म ही ना हो,
और यकीन मानिए ये इतना गहरा है ताल का संसार कि अगर एक ताल को करने चले तो वो सच में नहीं खत्म होता है। ऐसे तो ताल शास्त्र में कई एक ताल है, तो तीन ताल ऐसा ताल है कि इसमें इतनी कुछ चीजें आके गुजर जाती है कि लगता है कि बस सब कुछ यही हो रहा है। तीन ताल में झपताल भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बस करने का है और सीखने समझने का है। तो आज का ये जो सेशन रहा, इसमें टेक्निकल आपने नौ की तिहाइयां बनाई, कुछ रस और भाव श्रृंगार के विषय में जाना। अगली बार हम लोग जब एकत्रित होंगे तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ने क्या सीखा, आप लोगों ने वो आप करके बताइए, वो आप करके सिखाइए, है ना। एक दूसरे से इंटरेक्शन हो, ये नहीं सिर्फ मैं बोलते जा रहा हूँ, आप उसको देख रहे हो, सुन रहे हो। देखने सुनने सुनना तो ठीक है, इंसान कई तरीके से सीखता है, देख के सीखता है, समझ के सीखता है, सीख के सीखता है। तो सिर्फ सुनना और देखना ही काफी नहीं है, आपने क्या समझा ये भी जानना बहुत जरूरी है। और अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली क्लास में आप लोग ये सारी तिहाइयां जो है वो मुझे दिखाएंगे। साथ ही श्रृंगार के ये दोनों भाव, अभी इसीलिए मैंने आपको नव रस बताया, लेकिन अभी मैंने नहीं कहा कि आप नौ रस पर विस्तृत रूप से अभी काम करें, अभी सिर्फ दो रसों पे ही काम करें आप। श्रृंगार का जो प्रकार है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इन दोनों रसों की ठुमरियां जो है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। इन दोनों पर आप भाव अच्छे से करें, और ये नहीं कि केवल भाव कर दें, चेहरा साइलेंट हो, सिर्फ मुद्राओं से कर दें, कोयल केवल केवल केवल